सोशल मीडिया पर वो एक्टिव थी। नहीं, काफी लोग आए भी थे, मैंने देखा था वहाँ जब काफी, लेकिन ये प्रशासन ने पहले झूठे मुकदमे करके जब एक में डर का माहौल पैदा कर दिया है, ये लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा कर दिया है। आप पुलिस में हो, कानून के जानकार भी हो, आपके पिता पर मुकदमा किया गया, उसका क्या कारण है? क्योंकि कोई मुकदमा बनता था क्या आपके? नहीं, ये सब दबाव बनाने के लिए मुकदमा किया गया है, ऐसा कोई नहीं बनता, ये तो दबाव बनाने के लिए, किसी को दबाने के लिए भी करप्शन के खिलाफ आवाज ना उठाए। अच्छा, अब सिंघम चुप बैठेंगे यदि नौकरी मिलती है, फिर से वही काम अपना जारी रखेंगे? चुप क्यों बैठेंगे, अपना ड्यूटी मिलती तो फिर ऐसे रगड़ा लगा जाएगा रिश्वत खोरों को। माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आज वो हिसाब हो रहा है, ठीक है, भ्रष्टाचार सिर से ऊपर हो चुका है, ईमानदारी खत्म होती जा रही है, और खत्म करने का कार्य ये कुछ भ्रष्ट लोग हैं जो वो कर रहे हैं। क्या लग रहा है, ये जो पानीपत का एसपी है उसको काफी सारे लोग ये कह रहे हैं भाई बहुत अच्छा एसपी है, लेकिन इस मामले में कहीं ये लग रहा है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं भाई सिंघम की नौकरी गलत गई है? देखिए, एसपी अच्छे होने का अपना सबूत देना, फिर आपने एक पुलिस वाले को जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, मुकेश त्यागी, उसके ऊपर तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो तुम्हारा लाडला बेटा बन गया, क्योंकि कमाऊ पुत्र है वो, तो वो तो कमाइयां करके दे रहा है ना आपको, और जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, अपनी रोजी रोटी चला रहा है, वो तो वो आपके लिए अपराधी बन गया, मुजरिम बन गया, उसको आपने जेल में डाल दिया, औरों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, या और जो 20 अन्य मुझे नहीं पता किस किस के नाम है, उनके खिलाफ आपने मुकदमे दायर कर दिए, बहुत अच्छा कार्य किया है, शर्म आनी चाहिए। जो हरियाणा का गब्बर मंत्री है अनिल विज, आप जो इसके साथ वहाँ भी गए थे सिंघम के साथ, तो वहाँ क्या कुछ कार्रवाई हुई थी, क्या कुछ सिंघम के लिए आश्वासन दिया था गब्बर जी ने? हाँ बिल्कुल, हम गए थे तो एक्चुअली मैं तो अपनी ही एक एप्लीकेशन लेके गई थी कि आप सिंघम को, आशीष कुमार उर्फ सिंघम को, उनको पानीपत शहर में ड्यूटी दी जाए, क्योंकि पानीपत जो शहर में जो जाम था वो सिंघम साहब ने ही हटाया, और तो अभी तक कोई पुलिस वाला नहीं आया था, तो अगर उन्होंने जाम हटाया, और बहुत ज्यादा जाम होता था, और कुछ अच्छे काम उन्होंने किए, जिस तरीके से उनको सट्टेबाजों को पकड़ा था इन्होंने, अवैध शराब जो बेच रहे थे उनको पकड़ा था, तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अच्छे काम की ये सिला मिलता है ये देख लिया। वहाँ से हमें कोई, उन्होंने बोला था गब्बर जी ने, गब्बर कहते हैं उनको, उन्होंने बोला था कि हाँ हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, हम उनको 10,000 फोन नंबर और नाम दे के आए थे कि आप देखें कि इतने सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि इनकी ड्यूटी पानीपत शहर में लगाई जाए, हमें नहीं पता था कि उनकी नौकरी ही छीन लेंगे ये लोग। कहीं ना कहीं ये लग रहा है जो ईमानदार पुलिस वाला है, कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हो रहा है, ऐसे कई लोगों के साथ गलत करते हैं, हमें क्या पता चलता होगा, है ना, क्योंकि देखिए ये तो चलो एक मुद्दा हो गया हमारा सिंघम भाई का, लेकिन कई जनता है जो उनके साथ बहुत गलत होता है, और हमें पता अभी तक भी नहीं चलता उनके साथ क्या हो रहा है। अभी सिंघम साहब की नौकरी चली गई है, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, अब कैसे लोगों की सेवा कर पाएगा सिंघम? जिसने काम करना है ना अच्छा, उसने करना ही है, उसको किसी ड्यूटी की जरूरत नहीं, उसे किसी नौकरी की जरूरत नहीं, जिसने भ्रष्टाचार मुक्त कराना है ना, तो वो अपने ईमानदारी से वैसे भी करेगा, वो आजाद होके बल्कि अच्छी तरीके से करेगा, पहले तो थोड़ा दबाव था ना, अब वो ज्यादा खुल के सामने आएगा। क्या सिंघम को समाज सेवा के रूप में देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही काम करूंगा। और रही बात गांव की, पाप की, और हमारे हरियाणा की जनता की, मैं अपील करूंगी कि हरियाणा की जनता से कि आप सिंघम का साथ दें, सच्चाई का साथ दें, क्योंकि अगर एक आवाज सच्चाई की दब गई तो कोई सच्चाई पर बोलने वाला नहीं होगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग सिंघम साहब का साथ दें, उनकी आवाज को बुलंद करें, ना कि उनको दबाने का काम करें। अच्छा एक मिनट, और एक साध्वी देवा ठाकुर है, अरे ये बोल रही है, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, फालतू लोगों से की मैं कोई बात नहीं। चलो भाई, फिलहाल धन्यवाद, और एक बार